हेलो लर्नर, आज हम लोग इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स द इकोनॉमिक सर्वे इन द पार्लियामेंट एवरी ईयर जस्ट बिफोर द यूनियन बजट। इट इज़ प्रिपेयर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर फाइनेंस मिनिस्ट्री। It is the ministry's view on the annual economic development of the country, a flagship annual document of the Ministry of Finance, Government of India. Economic survey review the developments in the Indian economy over the previous 12 months, summarizes the performance on major development programs and highlights the policy initiatives of the government and the prospects of the economy in the short to medium term. अब हम इसका अर्थ एक आसान शब्दों में समझते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण का अर्थ क्या होता है, आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, इसे क्यों किया जाता है। हमारे देश भारत में आर्थिक सर्वेक्षण चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो एट प्रेजेंट केवी सुब्रमण्यम है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, उनके द्वारा ये प्रिपेयर किया गया है। इसके अंदर यह इन बातों का सर्वेक्षण किया जाता है कि इंडियन इकोनॉमी एक फाइनेंशियल ईयर इंडिया में फर्स्ट अप्रैल टू 31 मार्च तक होती है, तो एक फाइनेंशियल ईयर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा रहा, जो पॉलिसी इनिशिएट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा वो कैसे, उनका कितना ज़्यादा योगदान रहा इकोनॉमी में, उससे क्या फ़ायदा हुआ क्या फ़ायदा नहीं हुआ, इन सब बातों का चर्चा किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे में। तो अब हम आगे देखते हैं कि इस बार का इकोनॉमिक सर्वे का थीम क्या था। द थीम ऑफ द सर्वे इज अबाउट इनेबलिंग अ शिफ्टिंग ऑफ गियर्स टू सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ $5 trillion by 2024-25। इस बार का थीम यह था कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें सतत आर्थिक वृद्धि करना है और उसका उद्देश्य क्या है कि $5 trillion की इकोनॉमी पहुंच जानी चाहिए 2024-25 तक, और इसे ही इसका ही एक और लक्ष्य रखा गया है 2032 तक $10 trillion इकोनॉमी को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब हम आगे इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 के बारे में समझेंगे कि इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसकी क्या हाइलाइट्स है, क्या की पॉइंट्स है, किन बातों पे ज्यादा जोर दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें ब्लू स्काई थिंकिंग की बात की गई है। ब्लू स्काई थिंकिंग का मतलब हुआ कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसे हमें एक पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने उसे आगे बढ़ाना है और उसके लिए और हमें $5 trillion की इकोनॉमी जो बनानी है 2024-25 तक, उसकी क्या ढांचा रहेगी, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है, और इसीलिए इस बार का इकोनॉमिक सर्वे का जो ये कवर पेज है ये ब्लू कलर था। देन सेकेंड है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की बात की गई है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, तो अब हम पहले समझते हैं कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स होती क्या है। बिहेवियरल इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी एज इट रिलेट्स टू द इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। किसी भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो इकोनॉमिक डिसीजन मेक की जाती है, जो बनाई जाती है, उसके लिए क्या साइकोलॉजी होती है, उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो वो बिहेवियरल इकोनॉमिक में आता है। जैसा आप जानते होंगे कि 2017 में रिचर्ड थेलर को बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के लिए ही नोबेल प्राइज भी मिला था। अब आगे देखते हैं कि डेटा द न्यू वाई। डेटा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, बहुत सारे आंकड़ों की बात की गई है इस बार की इकोनॉमिक सर्वे में। और आगे क्या है कि नर्सिंग ड्वार्फ टू बिकम जाइंट्स। किसी भी बहुत सारे लघु उद्योग हैं उन्हें
किस तरह से उनके उनका विकास कैसे करना है, उस पे इन्वेस्टमेंट करना है सरकार को और उसे आगे बढ़ाना है, इन सब की बारे में बात की गई है। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ टू डील विथ एन एजिंग सोसाइटी। एजिंग सोसाइटी जो है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है अभी युवा है लेकिन वो हमेशा युवा नहीं रहेगी, तो उससे किस तरह से विकास के लिए विकास के पथ पे उनका कैसे योगदान रहेगा, उसके लिए उन्हें कैसे एम्प्लॉयमेंट देना है, क्या करना है, इन सब की चर्चा की गई है इसमें। तो ये 5 की पॉइंट्स हैं जिनकी चर्चा इस बार की इकोनॉमिक सर्वे में की गई है। अब हम आगे देखेंगे, एक ओवरव्यू देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे में पिछले फाइनेंशियल ईयर 18-19 की इकोनॉमिक कैसी रही है, पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में हम इस पर विचार करेंगे। और अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जीडीपी ग्रोथ, तो उससे पहले हम जानेंगे कि जीडीपी होती क्या है, जीडीपी किसे कहते हैं। जीडीपी एक मॉनेटरी मेजर होती है ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितनी सारे जो फाइनल गुड्स तैयार की गई उसका क्या मार्केट वैल्यू था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं जीडीपी में। तो जीडीपी ग्रोथ जो कि कांस्टेंट प्राइस पे बताया जा रहा है यहाँ पे, वो इस्टीमेट किया गया है 1920 के लिए 7%, जो कि 1819 में 6.8% रही। अब हम आगे देखेंगे फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि फिस्कल डेफिसिट होती क्या है। किसी भी इकोनॉमी में जब गवर्नमेंट जब बजट तैयार करती है तो बजट तैयार करने टाइम वो पहले ये नहीं देखती है कि उनका रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आएगा, ये रेवेन्यू के क्या स्रोत है, रेवेन्यू कितना आएगा, ये चीज़ इस्टीमेट नहीं करती है, वो पहले एक्सपेंडिचर तय कर देती है। और आपको पता होगा कि पब्लिक पब्लिक बजट और प्राइवेट बजट का सबसे मेन डिफरेंस भी यही होता है कि पब्लिक बजट में गवर्नमेंट सबसे पहले एक्सपेंडिचर तय करती है, उसके बाद उसे रेवेन्यू मिलता है। लेकिन प्राइवेट बजट में क्या होता है कि वो पहले रेवेन्यू उन्हें मिलता है, फिर वो एक्सपेंडिचर तय करती है कि हाँ ये रेवेन्यू था, इसे कहाँ कहाँ एक्सपेंड करना है। तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पहले तय कर देती है और रेवेन्यू बाद में उन्हें आता है, तो वो उन दोनों के बीच में कुछ अंतर रहता है, वो हमेशा बैलेंस में नहीं होता है और ना ही सरप्लस में होता है, वो डेफिसिट में ही मैक्सिमम टाइम जाता है। तो उस डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए, उसे बैलेंस में लाने के लिए सरकार क्या करती है, मार्केट से बोरो करती है, कुछ डेब्ट लेती है, मार्केट से लेती है, सेंट्रल बैंक से लेती है या फिर अदर कंट्रीज से भी लेती है। तो जब वो मार्केट से लेती है तो उन्हें वो चुकाना भी पड़ता है। तो जब टोटल एक्सपेंडिचर में मार्केट बोरोविंग को ऐड कर देते हैं तो उसे कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। तो यहाँ पे 3.4 जो है ये फिस्कल डेफिसिट परसेंट ऑफ जीडीपी की बात की जा रही है। अब हम लोग आगे देखेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का एक एवरेज इसमें बताया गया है कि क्या एवरेज परसेंट है इन इकोनॉमी। तो इन्फ्लेशन को दो तरह से नापा जाता है, एक सीपीआई है मेथड और दूसरा है WPI। CPI में क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात की जाती है, और WPI में होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात की जाती है। तो बेस्ड ऑन CPI यहाँ पे बताया गया है कि ये 3.4% रही 18-19 में, और बेस्ड ऑन WPI यह 4.3% रही। इन सब के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं WPI और CPI में इन डिटेल वीडियो बना दूंगी। अब हम आगे देखेंगे फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज के टर्म में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बताया जा रहा है कि कितना परसेंट इंपोर्ट हुआ है टोटल और कितना परसेंट एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है कि किसी भी सेंट्रल बैंक के पास जो किस अन्य जो एक, जो वो एक्सपोर्ट करती है तो एक्सपोर्ट करती है तो उनके पास जो डॉलर के रूप में एक्सपोर्ट होता है ना यहाँ, तो डॉलर जो आ रही है तो उसका रिजर्व जो है वो RBI के पास होता है इस इंडिया में, इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, तो सेंट्रल बैंक के पास होता है। तो वो रिजर्व उसके बारे में यहाँ चर्चा की जा रही है
कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो क्या रही 1819 में, तो वो 412.9 यूएस डॉलर में, 412 बिलियन यूएस डॉलर रही है। उसके बाद एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग की बात की गई है। अब यहाँ पे इसे ग्रोथ रेट ऑफ जीवीए एट बेसिक प्राइस इन परसेंट, तो जीवीए का मतलब क्या हुआ ये हम समझते हैं। जीवीए का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसका मतलब हुआ कि किसी भी इकोनॉमी में इंडस्ट्री सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर के द्वारा जितना प्रोडक्शन हुआ है उन सब का जो टोटल होता है ना उसे जीवीए कहा जाता है। तो वो 1819 में 2.9% रही है, ठीक है। और अब आगे है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो जैसा मैंने इसमें बताया था कि किसी भी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या फिर सर्विस सेक्टर, इन सब का प्रोडक्शन का परसेंटेज लिया जाता है, तो यहाँ भी वही बात की जा रही है। और ये 6.9% रही 1819 में, जो कि 1718 में 5.9 रही थी, इसमें भी वृद्धि हुई है। उसके बाद सर्विस सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर में भी हम देख रहे हैं कि अच्छा सर्विस सेक्टर में तो ये कमी हो गई है, 7.5 हो गई है परसेंट, जो कि 8.1% थी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं स्टेट ऑफ द इकोनॉमी इन 2018-19 अ मैक्रो व्यू, एक व्यू ले लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग। इंडिया इज स्टिल द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन 1819। जैसा सबसे पहले ही मैंने बताया था, मैंने नहीं बताया था एक्चुअली, ये इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात की जा रही है कि 2024-25 तक करना है इंडिया को, बनाना है। तो इसमें यही है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी 1819 में, ये उस राह में धीरे धीरे जा रहा है, इसकी बात की गई है। ग्रोथ ऑफ जीडीपी मॉडरेट टू 6.8% इन 2018-19 फ्रॉम 7.2% इन 1718, जो कि 1718 में 7.2% थी वो 6.8% हुई 1819 में। तो यहाँ पे तो ये कमी हो गई है, ठीक है, ये कमी हो गई है। उसके बाद आगे है इन्फ्लेशन कंटेंट एट 3.4% इन 2018-19। ये इन्फ्लेशन सीपीआई के द्वारा जो सीपीआई के द्वारा जो कैलकुलेट किया गया है उसकी बात की जा रही है। इन्फ्लेशन का मतलब आप लोगों को पता होगा कि जब महंगाई बढ़ जाती है तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, जब वस्तुओं का प्राइस जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो वो 1819 में 3.4% रखा गया है। अब हम आगे देखेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात की गई है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट होती क्या है, एनपीए। किसी भी बैंक के द्वारा जब वो लोन देती है तो होता क्या है कि उस वो जब लोन दी तो उसे हमें चुकाना भी होता है। ऐसा तो है नहीं कि वो लोन दे दी और हम चुकाएंगे नहीं, तो उसे चुकाना भी होता है। तो उसे चुकाने का एक, उसे लौटाने का एक टाइम पीरियड होता है। तो जब उस टाइम पीरियड के का 90 दिन हो जाता है, ठीक है ना, जिस दिन आपको चुकाना था उस दिन से 90 दिन ज़्यादा हो गया है और आप अभी तक नहीं चुकाए हैं, प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं चुकाए आप, इंटरेस्ट तो दूर की बात है, तो उसे बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट मान लेती है। तो इसके बारे में चर्चा की गई है यहाँ पे कि इसे 10% दिसंबर 2018 के एंड में इसे देखा गया, जो कि 11.5% थी मार्च 2018 में, यानी इसमें कमी आई है, इसकी बात की जा रही है। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रिकवरिंग सिंस 1718, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ जो है वो रिकवर की हो रही है 1718 से, और ग्रोथ इन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पिक्ड अप फ्रॉम 8.3% इन 1617 टू 9.3% नेक्स्ट ईयर एंड फर्दर 10% इन 1819। इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है कि जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है वो 10% इन 1719 हो गई है। करेंट अकाउंट डेफिसिट मैनेजेबल एट 2.1% ऑफ जीडीपी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे यहाँ कि करेंट अकाउंट डेफिसिट होती क्या है। करेंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब यह होता है कि जैसे
इकोनॉमी है कोई भी देश है, ठीक है ना, तो वो कुछ एक्सपोर्ट कर रही है, कुछ इम्पोर्ट कर रही है। लेकिन होता क्या है कि जब इम्पोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसका जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में चला जाता है। तो उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है कि वो 2.1% ऑफ GDP बतलाया गया है, मतलब वो मैनेज हुआ है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लाइंड फ्रॉम 3.5% ऑफ GDP इन 1718 टू 3.4% इन 1819, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर लिया था कि फिस्कल डेफिसिट क्या होती है। अब हम लोग आगे देखेंगे फिस्कल डेवलपमेंट की। इस फिस्कल डेवलपमेंट में बजट के बारे में ही बताया गया है और बजट से रिलेटेड ही कुछ टर्म्स हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और फाइनेंशियल ईयर 2018-19 इंडेड विद द फिस्कल डेफिसिट एट 3.4% ऑफ GDP एंड डेब्ट टू GDP रेशियो ऑफ 44.5%। डेब्ट टू GDP रेशियो का क्या मतलब हुआ? डेब्ट टू GDP रेशियो का मतलब हुआ कि कोई भी गवर्नमेंट ने जो डेब्ट लिया है, ठीक है ना, कोई जो ऋण लिया है उसका GDP में क्या कंट्रीब्यूशन है, उसका क्या रेशियो है, उसकी बात की गई है यहाँ पे। एज परसेंट ऑफ GDP टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फेल बाय 0.3 percentage points इन 2018-19 ओवर 2017-18, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं 0.4 percentage point रिडक्शन इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और 0.1 percentage point इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट है उसकी एक्सपेंडिचर जो है वो दो टाइप की होती है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड अदर वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वो एसेट क्रिएट करने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये लॉन्ग टर्म होता है और ये एसेट क्रिएट करने के उद्देश्य से किया जाता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया, जैसे सरकार जो है पेंशन दे रही है, ठीक है ना, या फिर पेमेंट करती है, तो ये सब हो गया हमारा, पेंशन वगैरह ये सब जो आ गया ये शॉर्ट टर्म के लिए है और ये एसेट क्रिएट नहीं करना चाह रही है, इससे एसेट तो क्रिएट हो गई भी नहीं, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ गया। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, तो अगर सरकार रोड बना रही है, स्कूल बिल्डिंग बना रही है, तो ये सब क्या हुआ, ये एक एसेट क्रिएट हो गया और लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, तो इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में रखते हैं। तो अगर ये यहाँ अगर लिखा हुआ है कि 0.1% इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये एक बहुत ही अच्छा है, ये इसे आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, क्योंकि ये एसेट क्रिएट करने के लिए कर रही है और इसे डेवलपमेंट भी हो रहा है। अब हम आगे देखेंगे, स्टेट्स ऑन टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू डिस्प्ले रॉबस्ट ग्रोथ इन 1718 RE एंड इन विजेक्ट टू बी मेंटेन्ड इन 1819 BE। तो यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि RE और BE का क्या मतलब है, तो RE का मतलब है, देखिए होता क्या है कि ये री एस्टिमेटेड है, ठीक है ना, RE जो है ये री एस्टिमेटेड है और BE क्या है, बजटरी एस्टिमेटेड है, मतलब कि बजट तैयार करने से पहले जो एक कुछ एस्टिमेट कर लिया जाता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट जो एस्टिमेट कर लेती है कि हाँ इतना एक्सपेंडिचर होगा इस सेक्टर में, तो वो एक पहले से एस्टिमेट की, पहले से अनुमान लगा ली, तो वो री एस्टिमेटेड होता है। और बजटरी एस्टिमेटेड क्या हो गया, जो बजट बनाने टाइम, ठीक है ना, बजट जब बन रहा है उस टाइम जो एस्टिमेट कर रही है, अनुमान लगा रही है, तो वो बजटरी एस्टिमेट होता है, तो उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद आगे क्या है, द रिवाइज्ड फिस्कल ग्लिड पाथ इनविसेजेस अचीविंग फिस्कल डेफिसिट ऑफ 3% ऑफ GDP बाय फाइनेंशियल ईयर 2021 और सेंट्रल गवर्नमेंट डेब्ट टू 40%
ऑफ जीडीपी बाय 2024-25। इसका मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो ये बता रही है कि फिस्कल डेफिसिट जो है उसका एक वो एक लक्ष्य रखी है कि 3% हो जाएगा, 3% का एक लक्ष्य रखा गया है 2021 फाइनेंशियल ईयर तक, और जो डेप्ट लेती है गवर्नमेंट उसे जीडीपी का 40% रखा गया है, मतलब उसका एक अनुमान लगाइए, एक लक्ष्य तय की, एक निर्धारित की है कि 2024-25 तक यह 40% ऑफ जीडीपी रहेगा। अब हम आगे देखेंगे जो सबसे जो फर्स्ट में मैंने बताया था कि 5 की पॉइंट्स हैं इस इकोनॉमिक सर्वे की, उसमें से एक की पॉइंट ये भी था कि हमारी जो एजिंग पॉपुलेशन है, एक सोसाइटी है, उसके बारे में भी यहाँ चर्चा की गई है, तो उससे हम देखते हैं। इंडियाज डेमोग्राफी एट 2040 प्लानिंग पब्लिक गुड प्रोविजन फॉर द 21st सेंचुरी। Sharp slowdown in population growth expected in next 2 decades, most of India to enjoy demographic dividend, while some states will transition to aging societies by 2030. यहाँ पे एक term है demographic dividend. Demographic dividend का मतलब होता है किसी भी economy में जो working population है उसे हम demographic dividend कहते हैं। तो इसके बात की गई है यहाँ पे। अब आगे है, नेशनल टोटल फर्टिलिटी रेट एक्सपेक्टेड टू बी बिलो रिप्लेसमेंट रेट बाय 2021। तो यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि किसी भी एक पीरियड में एक पर्टिकुलर जो टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम है, उसमें कितना ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी है किसी भी वुमेन का, तो उसके बारे में इसमें इसमें चर्चा की जाती है। टोटल फर्टिलिटी रेट में उसी का इसका वही अर्थ है, ठीक है। तो इसे इसे क्या किया गया है कि इसे 2021 तक इसको रिड्यूस करने की बात की जा रही है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि हाँ, वर्किंग एज पॉपुलेशन टू ग्रो बाय रफली 9.7 MN पर ईयर ड्यूरिंग 2031, ठीक है। और जो मैंने बताया था यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात जो की थी वो यही है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है इंडिया की उसकी बात की जा रही है 2031 तक कितना रहेगा, और 2031 तक ये कितना हो जाएगा, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। क्योंकि लोग जो है अगर अभी युवा है लेकिन वो तो अगर 31-41 तक तो उनकी एज बढ़ जाएगी ना, तो फिर वो तो एज बढ़ती जाएगी, फिर वो बूढ़े होते जाएंगे, तो वो कम हो जाएगी, इसकी बात यहाँ पे की गई है। तो इसे कैसे मेंटेन रखना है इसके बारे में एक इम्प्लीमेंट की गई है कि कैसे एक ऑब्जेक्टिव बनाया गया है कि क्या क्या उद्देश्य के साथ उन्हें आगे बढ़ाना है, कैसे उन्हें विकास के पथ पर कैसे योगदान उनका हो, इसके बारे में चर्चा की गई है। और जो वर्किंग पॉपुलेशन है जो इंडिया की, उसे कैसे एम्प्लॉयमेंट मिले, इन सब के बारे में चर्चा की गई है। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन टू बी विटनेस्ड इन एलिमेंट्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन 5-14 एज ग्रुप ओवर नेक्स्ट 2 decades। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो जब बिलो होते जाएगी, वो डिक्लाइन करते जाएगी, तो फिर अगर वो डिक्लाइन करेगी तो बच्चे जो है वो तो वो जो 15-14 एज ग्रुप के बच्चे हैं उसमें भी तो डिक्लाइन होगा ना। तो उसके बारे में ही यहाँ पे बात की गई है कि ओवर नेक्स्ट 2 decade, डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर, यानी 2 decade है तो 20 ईयर हो गया ये। अब आगे है, स्टेट्स नीड टू कंसोलिडेट मर्ज स्कूल टू मेक देम वायबल रेदर देन बिल्ड न्यू वंस। पॉलिसी मेकर्स नीड टू प्रिपेयर फॉर एजिंग बाय इन्वेस्टिंग इन हेल्थ केयर एंड बाय इंक्रीजिंग द रिटायरमेंट एज इन अ फेस्ड मैनर।
अब हम एक इंडस्ट्री का ओवरव्यू देख लेते हैं कि इंडियन इंडस्ट्री का क्या ओवरव्यू रहा। तो इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो 1819 में 6.9% ऑफ जीडीपी रही है। और द सर्वे नोट्स डैट द इंडस्ट्रियल सेक्टर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग 2018-19 हैज़ इम्प्रूव्ड एज कम्पेयर टू 2017-18। तो जैसा आप लोग देख ही रहेंगे यहाँ पे ये 5.9 थी और अभी 6.9% है। द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड वॉज हाइयर एट 6.9% इन 2018-19 एज कम्पेयर टू 5.9% इन 2017-18। द इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज 3.6% इन 2018-19 एज कम्पेयर टू 4.4% इन 2017-18। ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इसका मतलब यह हुआ कि एक एक पीरियड ऑफ टाइम एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी इंडस्ट्री का कितना प्रोडक्शन हुआ है उसके बारे में यहाँ बात की गई है कि 3.6% ऑफ वो जीडीपी है था। ठीक है, 3.6% इन 1890 इसमें कमी आई है। ठीक है, ये 4.4 था लेकिन ये अब 3.6% हो गया। द माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर्स रजिस्टर्ड पॉजिटिव ग्रोथ रेट ऑफ 2.9%, 3.6% एंड 5.2% रिस्पेक्टिवली इन 1890। अब हम आगे देखेंगे फॉरेक्स रिजर्व की बात करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फॉरेक्स रिजर्व क्या होती है। किसी भी इकोनॉमी की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, तो जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट करते हैं तो अदर कंट्री जो है वो जो पेमेंट करती है तो उसका जो एक रिजर्व होता है उसे ही फॉरेक्स रिजर्व कहा जाता है। एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग री एक्सपोर्ट, ये आपका 7,663 करोड़ रहा, ठीक है ना, और इंपोर्ट जो है वो 94,373 करोड़ रहा है। ठीक है, और अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि टॉप टॉप एक्सपोर्ट आइटम क्या रहा, तो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, प्रीसियस स्टोन है, और ड्रग फॉर्मुलेशंस है, गोल्ड है और अदर प्रीसियस मेटल्स है। ठीक है, मतलब कि टॉप एक्सपोर्ट आइटम मतलब हो गया कि आपका ये जो इंडिया है, इंडिया ने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किन-किन चीज़ों का किया है। अब आगे देखेंगे हम लोग कि टॉप इम्पोर्ट आइटम क्या है। तो टॉप इंपोर्ट आइटम में भी हमारा क्रूड पेट्रोलियम है, पर्ल है, प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन है एंड गोल्ड है। तो ये सब ये सारे आइटम आते हैं। और जो इंडिया का मेन ट्रेडिंग पार्टनर है वो कौन कौन है रहा, वो कौन कौन रहा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो यूएस रहा है, चाइना है, हांगकांग है, यूएई है और सऊदी अरब है। इंडिया हैज साइंड 28 बाइलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट विथ वेरियस कंट्रीज ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन 1819। बाइलेटरल और मल्टीलेटरल का मतलब हो गया कि दो देशों के बीच, और मल्टीलेटरल मतलब बहुत सारे, दो से ज़्यादा देशों के बीच कितने सारे एग्रीमेंट किए हैं, तो वो 28 एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है इंडिया ने। एक्सपोर्ट ऑफ दीज कंट्रीज स्टूड एट US 121.7 बिलियन US डॉलर, अकाउंटिंग फॉर 36.9% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट कितना रहा, तो इम्पोर्ट रहा है 266.9 बिलियन US डॉलर, जो कि ये इंडिया का था। ठीक है ना, इंडिया का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात की गई है। ऑन इंडियाज एक्सटर्नल सेक्टर द इकोनॉमिक सर्वे स्टेट डैट इट कंटिन्यूज टू बी स्टेबल। ठीक है, इस सर्वे में ही बताया गया है कि एक्सटर्नल सेक्टर जो है वो स्टेबल रही है। ऑल्दो द करेंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज्ड टू 2.1% ऑफ जीडीपी इन 2018-19, अप फ्रॉम 1.8% इन 2017-18 विद इन द मैनेजेबल लेवल। विद इन द मैनेजेबल लेवल का मतलब यही हुआ कि जिसे मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा जो है वो इसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। वो 1.8 था और अभी 2.1 हो गया है, तो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, इसे मैनेज किया जा सकता है, तो ये एक मैनेजेबल लेवल है।
अब हम आगे देखेंगे कि सस्टेनेबल एनर्जी, ठीक है, इनेबलिंग इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू एफोर्डेबल रिलायबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी। इसके अंदर क्या 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 रहा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 2.5 times इंक्रीज इन पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन नीडेड फॉर इंडिया टू इंक्रीज इट्स रियल पर कैपिटा जीडीपी बाय $5,000 एट 2010 प्राइजेस एंड इंटर द अपर मिडिल इनकम ग्रुप। 4 times इन इंक्रीज इन पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन नीडेड टू इंडिया टू अचीव 0.8 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर। इंडिया नाउ स्टैंड एट फोर्थ इन वाइंड पावर में फोर्थ पोजीशन है, फिफ्थ पोजीशन है सोलर पावर और फिफ्थ पोजीशन है रिन्यूएबल पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में इंडिया का ऑल ओवर वर्ल्ड में। ₹50,000 करोड़ सेव्ड एंड 108.28 million tons ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिड्यूस्ड बाय एनर्जी इफिशियंसी प्रोग्राम इन इंडिया। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि इतना ज़्यादा यहाँ पे ये 108.28 million ton रिड्यूस हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। शेयर ऑफ रिन्यूएबल एक्सक्लूडिंग हाइड्रो एवव 25 मेगावाट इन टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम 6% इन 2014-15 टू 10% इन 2018-19। थर्मल पावर स्टिल प्ले अ डोमिनेंट रोल एट 60% शेयर। मार्केट शेयर ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स ओनली 0.06% इन इंडिया व्हाइल इट इज 2% इन चाइना एंड 39% इन नॉर्वे। इलेक्ट्रिक कार जो है उसका शेयर ओनली 0.06% है इंडिया में, जबकि चाइना में इनका 2% शेयर है और नॉर्वे में ये 39% शेयर है। एक्सेस टू फास्ट बैटरी चार्जिंग फैसिलिटी नीडेड टू इंक्रीज द मार्केट शेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए फास्ट बैटरी चार्जिंग फैसिलिटी की नीड है जिसे कि इंक्रीज करना है। तो थैंक यू लर्नर, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।